अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में योग संघ मथुरा एवं श्री अरविंद सोसाइटी शाखा मथुरा के सहयोग से योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीसी के छात्राओं सहित समस्त कॉलेज के लगभग 150 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में छात्राओं को सर्वप्रथम योगासनों एवं प्राणायाम के बारे में बताया गया। यह योग कोच दिव्या जी द्वारा योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया। तत्पश्चात वार्ता का आयोजन भी किया गया। योगासन उसके महत्व पर वार्ता देते हुए श्री अरविंद सिंह राजपूत ने बताया कि योगासन जीवन की आवश्यकता है। योगासन और प्राणायाम के द्वारा हम शरीर एवं मन को स्वस्थ रखते हैं। इस अवसर पर मथुरा योग एसोसिएशन के सचिव श्री वाई पी शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में भारतीय योग की स्थापना के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और भारतीयों के अंदर योगमय जीवन की भावना जगाने के लिए ये बहुत बड़ा ही कदम है। उन्होंने छात्राओं को दैनिक जीवन में नियमित योग करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि योग क्या है और भारतीय दर्शन में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, राज योग, त्रिवेद योग, कष्ट निषद, आरंभ हुए दीर्घ, अभंगा जो भी अभी जारी है। पतंजलि को अष्टगान योग के अंगों की व्याख्या के साथ उन्होंने यह भी बताया कि सभी को समन्वय श्री अरविंद ने किया।